समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। राजधानी भोपाल के प्राइवेट स्कूल आनंद विद्या मंदिर से सामने आया एक बड़ा मामला, जिसमें 11वीं की छात्रा के पिताजी ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप कि बच्ची की तबीयत खराब होने के बावजूद भी बच्ची को छुट्टी के टाइम पर छोड़ा गया और रास्ते में बच्ची चक्कर खाकर गिर पड़ी। छात्रा के पिताजी का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन को पहले ही बता दिया गया था कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, उसको घर जाने की परमिशन दी जाए, लेकिन उसको पूरे टाइम छुट्टी होने तक बिठाया गया। छात्र के पिताजी ने जहांगीराबाद थाना में लिखित शिकायत आवेदन पत्र भी दिया, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। राम प्रताप सिंह, मैं भारतीय सेना में 16 साल नौकरी करके आया हूं और मैं एक देश का सिपाही रहा हूं। आज हमारे साथ एक ऐसा घटना घटी जो आप लोगों को बताने में भी मेरे को शर्म आ रही है, लेकिन चूंकि मामला बड़ा है इसके लिए वजह से हम आपको बताना मजबूर हो गए हैं। हमारी बच्ची आनंद विद्या मंदिर में क्लास 11 की छात्र है। आज उसकी तबीयत खराब थी, पिछले 2 दिनों से तबीयत खराब थी। मजबूरी बस प्रैक्टिकल होने की वजह से उसको हमारे को आज स्कूल भेजना पड़ा। उसका जब स्कूल का प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ तो हमारे घर से मेरी बड़ी बेटी द्वारा उसको कॉल किया गया, उसका क्लास टीचर हो कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, आप एक काम करिए मेरी बहन को छोड़ दीजिए ताकि हम लोग आ करके उसको ले जाएं और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। उस समय स्कूल प्रशासन द्वारा ये बोला गया कि अभी प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ है, एक एक्स्ट्रा क्लास इसकी लगेगी, इसलिए स्कूल प्रशासन द्वारा छोड़ा नहीं गया। उस दौरान उसकी और तबीयत खराब होती रही, खराब बिगड़ती चली गई, लेकिन अचानक उन लोगों का जब छुट्टी हुआ तो फिर उनके तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को नहीं दिया गया। अचानक उस बच्ची को उसी भीड़ में छुट्टी के दौरान उसको छोड़ दिया गया, जिसके चलते उस बच्ची की हालत इतनी ख़राब हो गई कि आधे रास्ते में आकर के चक्कर खा के गिर गई। राहगीर द्वारा उस बच्ची को हमारे स्कूल हमारे घर पे पहुंचाया गया। बच्ची इस बात को लेकर के बहुत डिप्रेशन में है, बात नहीं कर पा रही है, और इसमें कुछ भी अगर कल को होता है तो इसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन होगा। इसका यही मैं आपसे लोगों से कहना चाह रहा था। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई किया जाए लापरवाही का, अगर उस बच्ची को नहीं छोड़ा गया और ये नौबत दिख रही थी कि बच्ची परेशान है, तो कम से कम उस बच्ची को या तो हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था या फिर किसी भी कर्मचारी द्वारा उस बच्ची को घर तक छोड़वाने की जवाबदारी स्कूल की थी, जो कि पूर्णतः इन्होंने नहीं निभाया। उसके बाद मैं भी एक बैंक का कर्मचारी हूँ। हाउस रिटायरमेंट आने के बाद रिसेटलमेंट मेरे को जॉब लगी है, कैनरा बैंक में मैं सर्विस करता हूँ। मेरे घर द्वारा मेरे को जब सूचित किया गया तो मैं तुरंत स्कूल पहुँचा। स्कूल पहुँचने पर मेरे को बच्ची नहीं मिली, मैं बहुत घबरा गया था। उसके बाद मैं स्कूल प्रशासन से संपर्क करना चाहा। मैं प्रदीप श्रीवास्तव जी को कम से कम 10 फ़ोन किया और उसके बाद आप नहीं मानेंगे, एक मैंने उनको वॉइस मैसेज भी छोड़ा कि सर आपसे मेरे को मिलना है। उसके बाद भी आपने थाने में ज्ञापन दिया, थाने से क्या कहा? सर थाने से अब ज्ञापन दिया है, थाने से बोला गया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार हम करेंगे। हमने TI साहब से मिला है, TI साहब ने हमको आश्वासन दिया है, प्रशासन हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैं एक सैनिक रह चुका हूँ, इसलिए प्रशासन भी जो भी हम मैं प्रशासन से ही बोलता हूँ, आप तो बिल्कुल पुख्ता जांच करिए और जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई किया जाए। दूसरी चीज़ सर, अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि स्कूल में घर नहीं हो सकता, घर में स्कूल नहीं हो सकता। जो आनंद विद्या मंदिर है उसी स्कूल में उनके डायरेक्टर जो प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने घर बना रखा है, जो कि बिल्कुल अनलीगल है। इसकी भी जांच हो, आप लोगों के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय तक हमारी बात को पहुंचाई जाए, और नहीं तो मैं एक फौजी आदमी हूं, मैं अपने आन मान सम्मान के लिए हम आगे भी कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, नहीं तो हम धरने बैठेंगे। और हमारी मांग को नहीं सुना गया, या तो घर में स्कूल चले या स्कूल में घर चले, आगे चल के मैं आत्मदाह करने की कोशिश करूंगा। इसके आनंद विद्या मंदिर की बहुत सारी ब्रांच है, ये कौन सी ब्रांच है आनंद विद्या मंदिर? आनंद विद्या मंदिर जहांगीराबाद CI कॉलोनी, यहाँ की ब्रांच है श्रीमान। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।